विक्की डोनर, पीकू और अक्टूबर जैसी सफल फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटर जूही चतुर्वेदी आज हमारे साथ हैं कैंडिडेट विद अभिमन्यु प्रोग्राम में। स्वागत है आपका नमस्कार के यूट्यूब प्रोग्राम में। आइए मिलते हैं जूही चतुर्वेदी से, जिन्होंने बहुत सारी इन तीन फिल्मों के जिन्होंने मैंने नाम लिया उनके आपसे बातचीत करेंगे। स्वागत है जूही आपका दमिश्क के हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे दस्त तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। जिस प्रकार की आप स्क्रिप्ट लेखन कर रही हैं आज के टाइम में, चाहे वो पीकू की बात हो, विकी डोनर की बात हो, हम सामान्यतः बॉलीवुड में इस प्रकार के स्क्रिप्ट फिल्म बनते हुए नहीं देखते, और इस तरह के जो फिल्में की स्क्रिप्ट आप लिख रही हैं इसके पीछे क्या राज है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप जरा। नहीं, ये फिल्म आपने देखी इसलिए क्योंकि बॉलीवुड ने बनाया है ना? जी बिल्कुल। तो ये कहना गलत होगा कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनती, क्योंकि बन रही हैं तभी आप देख पा रहे हैं। आई थिंक एक जो धारणा है बॉलीवुड को लेके कि एक ही तरीके की फिल्म बनती हैं, वो शायद उतना उचित नहीं है, क्योंकि मसान जैसी फिल्म भी बनी है, बहुत पहले गाइड जैसी फिल्म भी बनी है, एक रुका हुआ फैसला भी बनी है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी भी बनी हैं। तो वक्त वक्त की बात है कि कभी एक तरह की फिल्मों पे जोर ज़्यादा रहता है, कभी दूसरे तरह की फिल्मों पे। पर आजकल के समय में अच्छी बात ये है OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं ना कहीं फिल्म को देखने का मौका मिल रहा है, जो पिक्चरें हम पहले नहीं देख पाए और इतनी बनी मूवी इंडिया पे हैं। तो अच्छी बात ये है कि अब जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं वो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स पे और राइटर्स पे भरोसा कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि प्रोड्यूसर्स को भी ये विश्वास है कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी होगी, उसका मटेरियल अच्छा होगा, तो शायद उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा हो, लोग खाली सिनेमा हॉल में देख के वापस नहीं आएंगे, वो फिल्म जब सोनी पे आएगी तो देखेंगे, वो फिल्म अगर नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन पे आएगी तब भी देखेंगे, तो एक शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है फिल्म की अगर कहानी अच्छी हो। मैं इससे एक अलग हटके आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जनरली हम जो बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, एक हीरो के इर्द गिर्द पूरी फिल्में घूमती रहती है, और ख़ास करके अगर हम तीन खानों की बात करें, जिस प्रकार के फिल्में वो लोग करते हैं और जिस प्रकार की बड़ी सफलता इस तरह की फिल्मों को मिलती है, उसके अलावा जो स्क्रिप्ट जिस तरह का चुनाव आपने किया, चाहे वो विकी डोनर हो, चाहे वो पीकू हो, या फिर अक्टूबर की हम बात करें, ये कहीं ना कहीं लीक से हटकर है, मेनस्ट्रीमाइजेशन है इस तरह की फिल्मों का, लेकिन ये मल्टीप्लेक्सेस के दर्शकों को ज़्यादा अपील करती हुई है। तो आपको क्या अंतर लगता है कि क्या आप ऐसा आपको लगता है कि जो सलमान खान की फिल्में होती हैं या शाहरुख खान की फिल्में होती हैं, या फिर ये कहें कि धर्मा प्रोडक्शंस की जो फिल्में होती हैं जिनमें जिस प्रकार के प्रेम भाव को दिखलाया जाता है, आपकी लेखनी में जो वो प्रेम का भाव है वो एक अलग डायमेंशन पे आप लेके जाती हैं। जो जैसी भी फिल्में बन रही हैं, जो देखने वाले हैं, हमारे पास हर तरह की ऑडियंस है, और ऐसा नहीं है कि जो फिल्म देखने वाले सलमान खान की फिल्म को देखने जाते हैं वो अक्टूबर देखने नहीं आएंगे, उनको आप जो दिखाएंगे वो देखेंगे और वो खुश हैं, उनको कोई दुख नहीं है कि हमें ये फ़िल्म क्यों दिखाई या ये फ़िल्म क्यों नहीं दिखाई। ये हर फिल्म मेकर का अपना एक्सप्रेशन है, किसी का हीरोइक एक्सप्रेशन है, किसी का रोमांटिक एक्सप्रेशन है, किसी का लाइफ को उतनी गहराई से समझ पाने का एक्सप्रेशन है, सबके अपने सबकी अपनी चॉइस है, और हर तरह के सिनेमा के लिए जगह है। ये सही है या ये गलत है ये कहने वाले हम लोग कोई नहीं है, क्योंकि देखने वाले तो वही लोग हैं। मैं एक थोड़ा अलग प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जूही ने स्क्रिप्ट राइटिंग का कोई प्रोफेशनल कोर्स आपने नहीं किया है, उसके बावजूद इस प्रकार की सफलता फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख करके नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, और आप एक महिला भी हैं, तो बॉलीवुड का जिस प्रकार का महिलाओं को लेकर के जो सेंसिटिविटी का अप्रोच होना चाहिए उसको आप किस तरह से देखती हैं? आपको लगता है कि जो भी बॉलीवुड में जिस प्रकार के आइटम सॉन्ग्स मेनस्ट्रीम फिल्मों में डाले जाते हैं, या फिर जिस प्रकार के डायलॉग डिलीवरी फिल्मों में महिलाओं के प्रति की जाती है, इसके पीछे कुछ काम करने की आवश्यकता है या फिर कुछ मैसेज देना चाहें आप? देखिए, एक कॉन्शियसनेस होती है, आप कहने से पहले तरीके किस तरीके से आप उस बात को कह रहे हैं, कहाँ पॉज दे रहे हैं, कहाँ एम्फसाइज कर रहे हैं, वही एक सेंटेंस बहुत आम और साधारण लग सकता है, वही एक सेंटेंस बहुत ही सजेस्टिव लग सकता है।
फिर मैं ये बोलूँगी एक हर इंडिविजुअल की अपनी समझ है. एट अ सोसाइटी लेवल क्या औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना चाहिए बॉलीवुड में या कहीं पर भी? नहीं. आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई आपकी बेटी अब शादी होकर दूसरे घर जा रही है तो नाम तो वो अपना बदले ही, वो सब कुछ ही बदल जाए. अभी तक आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नाजों से पाल रहे हैं, घर में संभाल के रख रहे हैं, अगर शादी होते ही ऐसा क्या हो जाता है कि अगले दिन से वो उस घर का वो सब कुछ संभालने लग जाए, वो भी तो ये गलत है कि वो सब भूल जाए कि उसका परिवार कोई मायने रखता है, अब उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाए, ये भी गलत है. हर तरफ से हर जने को सोसाइटी के, बॉलीवुड को, बॉलीवुड के बाहर के लोगों को, चाहे वो बैंकर हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, आई थिंक हर जने को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन के रहना पड़ेगा. हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या हानिकारक है और क्या करने से, किस तरह की फिल्में दिखाने से, किस तरह की किस तरह का म्यूज़िक दिखाने से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी अच्छी चीज़ के लिए. और भाई मतलब जिम्मेदारी हर जने की है और बॉलीवुड की इसलिए ख़ास तौर पे हम सोसाइटी को बदलने की जिम्मेदारी लेके फिल्में नहीं बनाने की कोशिश करते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस फिल्म का असर ये सोच के बनाए कि अच्छा ही हो. मैं आपसे वो घिसा पिटा सवाल नहीं पूछूंगा कि आप अपने जो आपने ये सफलता पाई है उसके पीछे के संघर्ष की कहानी बताइए, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा जूही कि जो आपने फिल्में लिखी और इनके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला फिल्म के स्क्रिप्ट लेखन के लिए, विकी डोनर के लिए आपको, तो आप अगर एक शब्द में कहा जाए कि अपने इस पूरे जर्नी को, अपने पूरे एक्सपीरियंस को समेट करके कहें कैसा रहा यह अनुभव? और चूँकि आप एक एडवर्टीजमेंट बैकग्राउंड से आई और आपने फिल्में लिखनी स्क्रिप्ट बहुत बाद में शुरू की, पहले आपने आप एक सफलतम एडवर्टीजमेंट ब्रांड रह चुकी हैं लेखन में, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वो जानना चाहेंगे जरूर इस बारे में. जर्नी कैसी रही जी? कोई जर्नी आसान नहीं होती है, हर चीज़ में मेहनत है, लिखने में मेहनत है, सोचने में मेहनत है, अपने लिखे हुए शब्दों को काटने में मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है. तो मैं यही बोलूँगी कि कॉलेज के बाद से, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के दिनों की मेहनत हो, चाहे वो फिल्म राइटिंग के लिए मेहनत हो, सक्सेस इज़ अ वेरी मतलब सक्सेस आई डोंट कंसिडर मतलब सक्सेस तो ठीक है जो है ऐसा है, बट ये कि ऐसे ही लक था ऐसे नहीं हो जाते चीज़ें, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के वो मज़ा ही नहीं आएगा. ऐसे थाली लेके कोई नहीं बैठ सकता, आके कोई डाल नहीं जाएगा, आपको बनाना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद अपने थॉट्स को खुद इम्प्रूव करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी. वो अगेन इट कम्स बैक टू कॉन्शियसनेस और मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मेहनत में वहाँ करूँ. बिल्कुल. तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि जूही की कहानी आपको कैसी लगी. जूही जो सफलता के इस स्तर तक पहुँचने के बाद भी लक में यकीन नहीं रखती, वो कहती हैं कि कड़ी मेहनत ही आपकी सफलता का नतीजा है. आप हमसे बात करने के लिए जूही बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू द मैच. थैंक यू.